गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप सभी के साथ में फ्लिपकार्ट हॉल वीडियो। फ्लिपकार्ट में अभी 3 दिन बाद बिग बिलियन डेज स्टार्ट होने वाला है और अभी सेल आई थी 2 दिन पहले, प्री बुकिंग सेल जो कि बिग बिलियन डेज में पहले आता है, 1 रुपये में बुक हो जाता है आफ्टर डिलीवरी, या फिर आप जब बिग बिलियन डेज स्टार्ट होने वाले हैं तो आप उसको बुक कर सकते हैं, उसका पूरा पे कर सकते हैं जितना भी रिमेनिंग होता है। तो प्री बुकिंग में भी वही प्राइस होता है जो बिग बिलियन डेज में आने वाला होता है, एंड बिग बिलियन डेज से भी कम प्राइस प्री बुकिंग में रहता है। तो मैंने काफ़ी चीज़ें ऑर्डर कर दी थी एंड अभी काफ़ी चीज़ें मुझे मिली भी नहीं है। तो सबसे पहला जो मैंने ऑर्डर किया था, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाता है और फिर उसके बाद आप लोग को देखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, पसंद आए तो चैनल को लाइक कमेंट एंड शेयर करके जरूर जाइएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो हमारा जो सबसे पहला है वो है जंप सूट, ये वाइन कलर का और काफी अच्छा है। मैंने इसको वेयर करके देखा, इस टाइप का प्लेन है एंड स्लीवलेस है और ये जंप सूट है इस टाइप का। पीछे इसमें दी है चेन और ये वाइन कलर का है जो इसका फैब्रिक है, ये पॉलिस्टर टाइप में है, मतलब इसका कलर तो नहीं जाएगा, डेफिनेटली इसका कलर नहीं जाएगा। कॉटन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि जैसे हम डार्क कलर कुछ ले लेते हैं तो प्रॉब्लम करता है, बट इसका कलर नहीं जाएगा। एंड ये पॉलिस्टर टाइप में कपड़ा है, बीच में हमारा इलास्टिक दिया हुआ है, पीछे की तरफ बैक की तरफ इलास्टिक है एंड आगे प्लेन है इस तरीके से। तो ये काफ़ी अच्छा पीस है और ये मुझे रिसीव हुआ है 360 या 370 ऐसे ही रिसीव हुआ है। तो इसका मुझे अभी प्राइस नहीं पता है बट इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑफ था प्री बुकिंग सेल पे एंड आई थिंक ये आउट ऑफ स्टॉक भी हो गया हो, अगर नहीं हुआ हो तो आप लोग ज़रूर परचेज कर लीजिएगा। अभी प्री बुकिंग में ही आउट ऑफ स्टॉक होगा, ये रीस्टॉक किया जाएगा बिग बिलियन डेज की जो सेल स्टार्ट होगी 3 अक्टूबर को, तो ये आपको मिल जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप उसको चेक कर लीजिएगा। जो सेकंड है हमारा वो एक मैक्सी ड्रेस है, पूरा गाउन स्टाइल में है और ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था पहनने पे। ये इस तरह से इसका जो कॉलर बेस है, इस टाइप का कॉलर दिया गया है एंड इसमें जो ऊपर के पोर्शन में बटन दी गई है जिसमें पहनने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसका कलर जो है ये इसे लाइट पर्पल कलर कहेंगे या फिर पीच कलर भी आप बोल सकते हो। एंड स्लीव्स जो इसकी है ये 3/4 स्लीव दी गई है और पूरा लॉन्ग गाउन है और फ्लेयर काफी अच्छा है इसका। अगर आप चाहो तो इसको नॉर्मली फंक्शन में पहन सकते हो या फिर घूमने जाने में पहन सकते हो और ये काफी अच्छा लग रहा है। तो ये मुझे रिसीव हुआ था 367 में। तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा एंड काफी अच्छा है ये, मस्त भाई, मतलब आप आंख बंद करके इस पे इन्वेस्ट कर सकते हो एट काफी ज्यादा अच्छी प्राइस थी इसकी। तो जो थर्ड है, थर्ड है वो हमारी ये साड़ी है। इसकी एक और मैंने साटन साड़ी का रिव्यू किया था, वो थी मीशो से एंड ये फ्लिपकार्ट से है और वो प्लेन साड़ी थी, सेम कलर था, प्लेन साड़ी थी। इसमें इस तरह का है, बॉर्डर दिया हुआ है ब्लैक कलर का, ब्लैक लेस लगी हुई है इसमें बॉर्डर में पूरी इस टाइप में। और ये फैब्रिक जो है ये बहुत ही अच्छा है, सॉफ्ट फैब्रिक है और साटन फैब्रिक, काफ़ी फैब्रिक ऐसे हो जाते हैं जो टाइट से फैब्रिक रहते हैं बट ये बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है। और इस तरीके से ये पूरी साड़ी दी गई है और ये बॉर्डर इसमें ब्लैक कलर का बॉर्डर दिया गया है। तो ये साड़ी मुझे 600 से ऊपर रिसीव हुई है और इसी के जो दूसरे कलर है, वाइन कलर है, पर्पल कलर है, तो उसमें 495 अप्रॉक्स पड़ रही है और ये भी मुझे प्री बुकिंग सेल में मिली है। अभी इसका प्राइस कितना है मुझे नहीं पता, वो आप लोग चेक कर लीजिएगा। और अगर अभी ज़्यादा हो गया है तो वो 3 तारीख को फिर से कम कर दिया जाएगा, तो आप तब परचेज कर सकते हैं। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी है, पहनने के बाद बहुत अच्छा लुक आने वाला है इसका, क्योंकि मैंने इसकी प्लेन साड़ी जो मैंने मीशो से मंगाई थी उसका भी मैंने रिव्यू किया था, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है तो उसमें 2 साड़ियों का रिव्यू था, साटन साड़ी ही थी और उसमें मैंने ट्राई ऑन हॉल किया था तो उसमें पहन करके मैंने पिक्स लगाई हुई हैं।
ये बहुत अच्छी साड़ी है, उसकी भी मीशो की भी एंड फ्लिपकार्ट से भी काफ़ी अच्छी आई है। और मीशो का जो ब्लाउज था वो थोड़ा सा सीक्वेंस वर्क में ब्लाउज था, बट इसमें जो ब्लाउज दिया गया वो इस तरह का ब्लाउज दिया गया है और इसका ब्लाउज ही सबसे ज़्यादा मुझे प्यारा लगा। इसकी पिक मैं लगा दूंगी जो उन्होंने इमेज शो करी है किस टाइप से आप बनवा सकते हैं, एंड उस टाइप से बनवाएंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। बहुत ही ज़्यादा ये थोड़ा सा शाइनियर में है और ये जैसा ये पीछे गोल्डन भी है तो ये गोल्डन शाइन आगे है, एंड इस टाइप का ब्लैक एंड ग्रे का कॉम्बिनेशन है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा ये ब्लाउज बनने में। तो ये थी हमारी थर्ड साड़ी, एंड ये तीनों प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं, एंड ये है हमारी फोर्थ साड़ी। तो मैं आज किसी का भी ट्राई ऑन हॉल करके दिखाने वाली नहीं हूँ क्योंकि मैं काफ़ी मतलब लेट वीडियो शूट कर रही हूँ। लेट का मतलब है लेट नाइट, लगभग 11:30 बज रहा है। तो ये हमारे तीन हो गए, और ये जो हमारी साड़ी है पिंक कलर की, ये फेस्टिवल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप करवा चौथ दिवाली के लिए ले सकते हैं, इसमें कलर्स भी अवेलेबल हैं। और ये जो पिंक कलर है ना, इतना ब्यूटीफुल सा कलर है, मतलब पिंक में भी काफ़ी शेड्स आते हैं। एक रानी पिंक होता है, एक मजेंटा पिंक होता है, मतलब थोड़े से पिंक में काफ़ी बेबी पिंक होता है। तो ये जो पिंक है ये ऑसम कलर है, और इसके साथ जो ग्रीन का कॉम्बिनेशन दिया गया ये भी बहुत अच्छा है। तो ये इसका भी मैंने एक हॉल किया था जो मैंने मीशो से मंगाई थी, वो मुझे अप्रॉक्स उस टाइम पे पड़ी थी, तब सेल नहीं थी मीशो में, तो तब मुझे वो 1100 की पड़ी थी। एंड ये इस समय साड़ी सस्ती है मीशो पे भी एंड फ्लिपकार्ट पे भी, तो आप परचेज कर सकते हैं दोनों में, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल लगे, जिसमें प्राइस कम लिए। तो इसमें ऐसी बूटियाँ दी गई हैं बीच बीच में गोल्डन कलर की, और इसका जो नीचे का बॉर्डर इस तरह का ग्रीन का दिया गया है, और इसमें ये कॉटन सिल्क कॉटन है, सिल्क ब्लेंड वाला कॉटन जो होता है वो है, प्योर सिल्क भी नहीं है प्योर कॉटन भी नहीं है। और ये हमारा इसका पल्लू दिया गया है, पल्लू में इतना ही पल्लू दिया गया है, ये इतना नीचे और ये बाकी का आप ऊपर। तो नीचे की साइड में ये ग्रीन पार्ट है और ये ऊपर की साइड में ये, तो पल्लू भी इसका काफ़ी अच्छा लगेगा तरीके से। इसका पूरा मेकअप लुक आएगा अभी एक दो दिन बाद, क्योंकि इसका ब्लाउज अभी तक नहीं सिला है, तो मैंने रेडीमेड ब्लाउज भी मीशो से मंगाया है, सेम मुझे मिल गया था बिल्कुल एग्जैक्ट। इसकी जो ब्लाउज की एम्ब्रॉयडरी है, जिस टाइप का प्रिंट है उसमें बूटियाँ दी गई हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही ब्लाउज मुझे फ्लिपकार्ट पे मिल गया, तो मैंने ऑनलाइन ही मंगा लिया है। जैसे ही वो आ जाएगा, इसका मेकअप लुक आएगा, तब आप लोग उस पर देख लीजिएगा, बट वेयर करने के बाद साड़ी बहुत अच्छी है। और इसका जो ब्लाउज पीस है वो है ही, ये देखिए ब्लाउज भी काफी अच्छा है, कंट्रास्ट में दिया गया है, तो ये मस्ट, मतलब ये मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि ये साड़ी आप जरूर 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 परचेज करें। एंड ये दोनों जगह अवेलेबल है, आपको जहां से भी सुटेबल लगे, जहां से भी। दोनों का ही कपड़ा बिल्कुल सेम क्वालिटी थी, क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं था, बस प्राइस में डिफरेंस था मीशो एंड फ्लिपकार्ट पे। तो आपको जहां से मंगानी हो, अभी लगभग सेम प्राइस है दोनों में, तो आपको जहां से मंगानी है परचेस करनी है वहां से आप परचेस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो यहीं से एंड करते हैं, एंड नेक्स्ट जो वीडियो है वो हॉल के ही वीडियो आने वाले हैं, और काफ़ी ज़्यादा कपड़े मेरे पास आ भी चुके हैं, ज्वेलरी आ चुकी है, तो उनका रिव्यू भी करना है। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है प्लीज़ जाकर के सब्सक्राइब कर लें, एंड नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दें ताकि आपका जो मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।